सीहोड़ियों की ढाणी के कलाकार ने चारपाई में बना दिया ताजमहल व राजस्थान का नक्शा। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, गांव के लोग भी अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसा ही एक कलाकार जो अपनी परंपरागत कला को जिंदा रखे हुए हैं, सीहोड़ियों की ढाणी के विक्रम सिंह, जिन्होंने सूत की रस्सियों के द्वारा चारपाई में ऐसी कलाकारी की है कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाए बिना नहीं रह सकते। यह कला भी सिर्फ एक शादी में आई चारपाई को देखकर ही शुरुआत की थी। पहले पहले तो चारपाई में सिर्फ परिवारजनों के नाम ही लिखे, लेकिन धीरे धीरे जज्बा और लगन से कार्य किया तो अब हाथों की कला से ही चारपाई में ताजमहल बना दिया, राजस्थान का नक्शा, इंडिया गेट, भारत का नक्शा सहित अनेक कलाकारियां कर रखी हैं। चारपाई में रस्सियों की चित्रकारी ऐसी कि लोग देखने के लिए खींचे चले आते हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि मेरे पिता ज्वालाराम व माता कमला देवी सहित परिवार के सभी लोग इस कला से जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार परंपरागत कार्य कर रहा है। उन्होंने बोतल में ही चारपाई व अन्य छोटे आइटम भी डाल रखे हैं। वह चारपाई में जानवरों की तस्वीर, हाथी, ऊंट, घोड़ा, भालू, मोर, चिड़िया भी रस्सियों के द्वारा बनाए हुए हैं। दुर्लभ सिक्के व पुराने सामान का है खजाना। एक छोटी सी ढाणी में दुर्लभ सिक्कों का ऐसा खजाना इनके पास है जो इकट्ठा करना मुश्किल होता है। पुराने जमाने में एक पैसे से लेकर पहले प्रचलित सभी सिक्के व पुराने जमाने व विदेशी नोट भी इनके संग्रहालय में है। पुराने जमाने के गांव में आने वाले ढकोले, छाबड़ी, इंडी, सिगड़ी आदि भी यहां बनाए हुए हैं। चारपाई व सामान बन रही है आय का जरिया। इनके द्वारा बनाए गए सामान की शादी विवाह के अवसर पर खरीद कर बेटियों को दहेज में दे रहे हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि कई लोग तो पहले से ही बुकिंग करवाकर ऐसी चारपाई बनवाते हैं। कुछ सामान मेले लगाने वाले भी लेकर जाते हैं, वहां पर विदेशी लोग ऐसे सामान को जल्दी खरीदते हैं। ऐसे सामान की बिक्री से परिवार की आय भी होने लगी है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान का नक्शा बना है, ये आप देख सकते हैं, इसमें राजस्थान बाकायदा लिखा भी है मैंने, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सातिया भी बना हुआ है। तो दोनों चीज आप देख सकते हैं, सातिया भी देख सकते हैं और राजस्थान का नक्शा भी देख सकते हैं। ये राजस्थान इस प्रकार से है और ये राजस्थान यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में हम चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे अलग अलग डिजाइन की बनाई है, और ये देखेंगे आपको मोर की बनाई है और इस पर डेट भी लिखा हुआ है 2021, और यहाँ पे मोर भी लिखा हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से और सिंपल डिजाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ये आपको मिलेगा दोस्तों, ये तितली बनाया है और इसमें भी नाम लिखा गया, यहाँ पे तितली लिखा है और यहाँ पे भी नाम लिखा गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से नाम लिखा जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये शेर की डिजाइन बनाई गई है और ये यहाँ पे शेर लिखा गया है। ये अलग अलग डिजाइन में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप और चाहें तो और भी डिजाइन में लिखवा सकते हैं। ये पर्टिकुलर मैंने दो तीन डिजाइन में लिखा दोस्तों, और ये अलग डिजाइन से बनाई है। इस प्रकार की बहुत सी डिजाइन की चारपाई बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा है, ये लाल किला है दोस्तों, ये देखिए इसमें यहाँ लाल किला लिखा हुआ भी है और ये झंडा है, इसमें जय हिंद भी लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट भी 2021 भी लिखा है, और ये पूरा रेड कलर का है। पहला गेट ये है और दूसरा यहाँ पे मंत्री, दो संतरी खड़े किए गए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा गेट है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये आप देखेंगे, ये आगरा का ताजमहल बनाया गया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका मेन गेट है और यहाँ से इसमें एंट्री है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे ये इंडिया का नक्शा बनाया गया है, और इंडिया का नक्शा में ही यहाँ देख जूम करके दिखा देते हैं, तो ये देखो मेरा बाप मान भी लिखा गया है और यहाँ पे तिरंगा और सातिया, यहाँ भी सातिया बनाया गया है और इसमें नाम भी लिखा गया, ढाणी सीढ़ियाँ लिखा गया है, और ये 2021 भी लिखा गया है दोस्तों, 12/5/2021। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और इसमें नाम भी यहाँ लिखा गया, तो वो भी नाम भी लिखवा सकते हैं और ये डिजाइन भी आप बनवा भी सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी आपके ऊपर है किस प्रकार से डिजाइन बनानी है, ये आपको सीखना है, तो ये भी आप देख सकते हैं। मेरा दादाजी ने, मेरे पिताजी ने सीखा, फिर मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो ये सिर्फ हमें सीखना है कि किस प्रकार से डिजाइनिंग बनाई जाती है। आगे हम इसको बनाने के लिए सिंपल की किस प्रकार से आगे आप बना सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है, और ये सभी हमें एक परंपरा चलाने के लिए हमें बताया गया है, ताकि परंपरा आगे चलती रहे हमारी और हर लोग बनाते रहे, तो सीखते रहे, इसलिए मैंने बनाया गया। ये नौकरी के बजाय ये जुनून कैसे आया आपके? ये मैंने देखा था कि यूट्यूब पे वीडियो, तो उसमें नाम लिखा हुआ था, ये डिजाइनिंग बनी थी, उसको देख के मेरे को जुनून आया कि हम भी ये सीखे कला। ये हमारी पुरानी प्रकृतियों की कला है कि बड़े बूढ़े बनाकर गए थे उस कला को जीवित रखने के लिए, ताकि और भी बंदे सीखें, इसलिए मैंने सभी चीज सीखी। कुछ ये भी देख लेंगे दोस्तों, ये बहुत ही हमारी मम्मी जी ने बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, डबोले हैं, और कुछ मैंने ये भी खेतों में घर में उपयोग लेते हैं, ये छिक्की बनाई है, ये ऊंट के लिए छिक्का बनाया है और ये गोपन बनाई गई दोस्तों, ये पक्षियों को उड़ाने के लिए,
और ये पनियारी पानी के लिए बनाई गई है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए हमें गर्मी में पंखा भी बनाया गया है, तो ये भी आप हवा ले सकते हैं। और कुछ यहाँ पायदान भी बनाए गए हैं, तो ये डिजाइन के पायदान भी आप देख सकते हैं। और भी ये छिक्की मोरी होती है, ऊंट की मोरी बनाई गई है, और यहाँ पे देखेंगे ये भैंस की मोरी भी बनाई गई, तो ये भी आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कई आपको सैंपल मिलेगा। और ये पत्तल है जो ब्याह शादी में दोस्तों बैठाकर आपको जमाया जाता था, उस समय है ये कम से कम 20 साल हो गई है इसको, तो ये भी रखी गई है। अभी सैंपल के तौर पे सभी चीज रखी गई है, धरोहर के रूप में रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे कुछ केशते भी रखे हैं, कुछ और चारपाई भी रखी है, और ये कुछ सिक्के भी रखे गए हैं, ये कुछ और भी नमूने के टोप से बनाए हैं, सैंपल बनाए गए दोस्तों। और ये देखो बजनी पार्टी में नाम लिया जाता है, उसमें गाने बजाने काम आता था, वो भी लिया गया। और ये बहुत ही पुरानी प्रेस है, और ये मोन्स कूटने के लिए लिया गया। और कुछ आप देखेंगे तो करेंसी भी यहाँ पे दिखाई गई पुरानी, कुछ विदेशी करेंसी भी है, तो ये भी देख सकते हैं। और ये भी आपको खाना बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती थी, और बहुत डिजाइन की बनाई गई, तो ये भी आप देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पे नोटों के कलेक्शन भी है, तो वो भी देख सकते हैं। ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पुराने जमाना में जैसे चलता रहता था, जब कोई साधन नहीं था, अभी तो साधन होएगा। पहले हाथ से काम करता था, जमींदारों करता था, सब हाथों से करता था। अभी कोई भी काम करता था तो हाथ से जेवड़ी बांटते हैं, और वो खाट भी बनते थे। तो बनते बनते आगे नए नए काम चले गए, तो नए नए डिजाइन चले गए। अभी क्या है, लोगों ने सब कुछ कलाकारी सीख ली। पहले इतना ज्ञान कौन था लोगों में, तो वो बहुत वैसे रहते थे। लेकिन कदर आज इनकी भी अभी भी है। हाँ। जो कला है, ये जो चारपाई बना रहे हैं, उसमें डिजाइन दे रहे हैं, वो तो कदर तो है। हाँ। अब और किसी को सिखाओगे ये? अभी आगे आगे और भी नए नए डिजाइन सिखाएंगे। हमने अभी देखो डिजाइन सीखा है, पहले थोड़ा थोड़ा जानते थे, लेकिन अभी देख देख के हमें बहुत डिजाइन नए निकाल दिया। अरे अभी इससे आगे भी और भी नए निकलेंगे। परिवार में कौन करता है? परिवार भी बहुत तेज होते हैं। अब पहले साधन नहीं था इतना, परिवार के कोई लकड़ी नहीं थी, कोई वो साधन काटने के लिए लेकिन नहीं थी। और अभी तो सब कला के रास्ते लगे हैं, फटाफट काम होता है और फटाफट सब। और कौन करता है अब ये कला काम? हाँ, और भी कला सिखाते हैं। और कौन कर रहा है परिवार में आपके? अभी और कोई कला तो नई चलेगी तो और बना देंगे आगे। नहीं, आपके जैसे बेटे हैं, पोते हैं, वो भी कर रहे हैं ये काम? हाँ, सीख रहे हैं। वो बेटे को भी सिखाया, अभी पोता भी सीखेगा धीरे धीरे, और भी सीख जाएंगे। कोई भाई कहीं सिखा दिया, कहीं उन्हें बहुत कमाते हैं, अभी पैसे देते हैं तो कमाई हो जाती है कुछ। पहले ऐसे कर देते गोल में थोड़ा भाई बंदी से, अभी सबको पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इससे कमाई भी होती है। हाँ, पैसे लेते हैं तो कमाई भी होती है इसमें, समझा। पहले तो फ्री में काम कर देता, तू मेरा कर दे मैं तेरो कर देता, अभी वो बात तो है नहीं। इस भाई मैं तेरो कर दे तो मैं नहीं, अभी तो सब अपने अपना काम करते हैं, कोई किसी का नहीं करता दूसरे का। और बुढ़ा बनाता तो टबरिया भी सीखने लगा, टबरिया बनाने लगा, कमाई आने लग जाए, टबरिया भी लोपड़ गो बना लगा धीरे धीरे। कोई चाकी, कोई मुद्दा, कोई खाट, कोई पिलंग, बड़े तरह का बना लगा, ले जान लगा, देखना लगा लोग। ऐसे कमाई भी होगी? हाँ, ऐसे कमाई भी हो है। ये भी दिया पिलंग लेन भी आओ, मुद्दा ले जाए, ये भी ले जाए। कोई गोपिया बैठाने खातर बोले ही कृष्ण जान बैठाने ही खातर ले जाए। टबरिया में दो पड़ गए, और बनाने लग गए, पोता बनाने लग गए, बेटो बनाने लग गए।